वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं फिर से एक तोरण का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये हमने तीन चेन ले ली है, चार चेन ले ली है। फर्स्ट वाली चेन में डाल के हमने डबल क्रोशिया करना है ऐसे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, एक दो तीन चार। यहाँ पे डाल के हमने फिर से डबल क्रोशिया करना है, एक दो तीन चार। फिर से हमने इसमें डाल के डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा कुछ, ये फर्स्ट रो हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। तो मैं ये पूरी बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए ये फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने क्या करना है, ये एक चेन लेके उसके बाद अगले जो ये लूप है इसके अंदर हमने क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमने एक चेन लेनी है, उसके बाद अगले उसमें जाके ये जो सेकंड हमारा है, हमने ये लूप बनाया है, इसमें हमने डाल के डबल क्रोशिया करना है। एक बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, इसके अंदर तीन बार कर लेंगे ऐसे डबल क्रोशिया। फिर हमने इसके अंदर दो चेन लेनी है, दो चेन लेके फिर से तीन बार डबल क्रोशिया करना है। अब हमने एक चेन लेके नेक्स्ट लूप में जाके क्रोशिया ऐसे डाल के सिंगल क्रोशिया करना है। अब फिर एक चेन लेंगे, फिर से हम अगले लूप में डाल के क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेकंड रो हमारी ऐसे ही कंप्लीट होगी, तीन बार डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया हो गया। दो चेन लेंगे, फिर से इसी में डाल के तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, ये तीन बार, दो बार हुआ है, एक बार और करना है यहाँ पे डबल क्रोशिया। एक चेन लेंगे नेक्स्ट उसमें जाके फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो फर्स्ट रो जो है हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक, यहाँ पे लास्ट में अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लिप नोट से इसके सेंटर में आ जाएंगे। तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, फिर से इसी में डाल के डबल क्रोशिया करेंगे तीन बार। अब हमने एक दो चेन लेके फिर से तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे इसी होल में। अब हमने एक दो, अब हमने दो चेन लेनी है और नेक्स्ट इसमें जाके, पहले हमने एक चेन ली थी अब दो चेन ली है बीच में भी। एक दो, तो सेकंड राउंड भी हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। अब फिर से एक दो चेन लेके नेक्स्ट फिर हम बनाएंगे सेम ऐसे ही। ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो एक दो राउंड और बना सकते हो, जितनी चौड़ी आपको पट्टी बनानी है। तो ये मैंने बना रखी है, इसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से बनाए हैं मैंने आपको। ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में, जो पिछला वीडियो था उसके में बनाने सिखाए ही हैं। तो ये थोड़ा सा बता दूंगी मैं फिर से। और हमने ये फ्लावर बनाए हैं, फ्लावर ही वैसे तो मैंने सिखाए हुए हैं और बीच बीच में फ्लावर मोती डाल के फिर से ये बनाने। तो ये मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ और ये फ्लावर कैसे बनने हैं बीच बीच में हमने बनाने हैं, तो ये भी सिखा देती हूँ आपको एक बार। सबसे पहले क्या करना है हमने, तो देखिए मैं आपको आगे क्या काम करना है वो बता देती हूँ। बीच बीच में हमने किनारे पे मैंने ये बनाया है, ये आपको सिखाया ही था मैंने बनाना। और ये फ्लावर बनाए हैं ये कुछ इस तरीके से, ये लगाए हैं बीच में। और
बीच में हमने ये मोती पिरो के एक हमने यहाँ पे भी लगाना है। तो मैं ये दिखा देती हूँ आपको कि मोती पिरो के हमने कैसे यहाँ पे लगाने हैं। ये कुछ मोती मैंने रखे हुए हैं, ये डालेंगे हम, और एक मैंने ये बना रखा है, इसके अंदर हमने डाल के नीडल ऐसे ऐसे निकालना है। वैसे तो मैंने ये बनाना आपको सिखाया ही है कि कैसे बनेंगे, ये फिर से बता दूंगी। हमने पहले ये वाले मोती डालने हैं, उसके बाद ये फूल सा डालेंगे, और उसके बाद ये वाले मोती डालेंगे, और उसके बाद फिर से ये फूल से डाल के, और इसके बाद हमने फिर से ये वाले मोती डाल लेनी है, दो सिल्वर कलर के और गोल्डन कलर के मैंने डाले हैं, और उसके बाद हमने फिर से ये फूल डाल के ये डालना है, लगाना है, चार हमने ये डाल लेने हैं इसके अंदर। तो अब क्या करना है, बस इसे हमने बीच में यहाँ पे टांग देना है, नीचे को गांठ लगा देनी है, अच्छे से कस के हमने गांठ लगानी है। तो हमने बीच में ये लगा लिया है, और अब मैं ये बता देती हूँ आपको ये बनाना, इसके ऊपर बता देती हूँ, ये थोड़ा सा बनाया हुआ मैंने, इसके ऊपर बता देती हूँ। इसके अंदर हमने जैसे आपने पट्टी बनाई है उसके अंदर आपने क्या करना है, धागा यहाँ पे ज्वाइन करके जैसे पफ स्टिच बनाते हैं वैसे निकालना है यहाँ से, 3, 4, 5, बस हमने सारे फंदे एक साथ निकाल देने हैं ऐसे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, हमने लॉक लगा दिया है, 1, 2, 3, 4, 4 चैन लेने के बाद फिर से हमने धागे से लंबा खींचना है, ये चौथे वाली जो चेन है हमारी इसके अंदर क्रोशिया डाल के फिर से जैसे पफ स्टिच बनाते हैं वही सेम बनाना है, ऐसे लंबा खींचना है धागे को, फिर से ऐसे लंबा खींच के लाएंगे, 5 बार हमने ऐसे ही करना है। अब हमने सारे फंदे एक साथ निकाल देने हैं, फिर से लॉक लगा के 1, 2, 3, 4, 4 चेन लगा बना के फिर से हमने धागे से लंबा खींचना है, इसके अंदर डाल के क्रोशिया ऐसे लेके आएंगे ऊपर को निकाल के, 3, 4, 5, सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे। तो ये हम 3 बना लेंगे, 3 बनाने के बाद फिर से हमने 1, 2, 3, 4, 4 चेन लेके इसे बंद कर देना है, और धागा काट देंगे। तो आज के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको इतना ही सिखाऊंगी, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे बनाने हैं, लगाने हैं, और जो नेक्स्ट होगा उसमें मैं आपको ये पलटकन से बनाने सिखा दूंगी, और ये फ्लावर जो बनाए हैं वो सिखाऊंगी बनाने। तो जितना मैंने सिखाया है उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा और डिज़ाइन भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।